नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 22 सितंबर को बिहार में ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने पर असवाड़ा एवं सरेखा में भारतीय किसान ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष सूरज ब्रह्मी के मुख्य आतिथ्य में एवं जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे की अध्यक्षता में भारतीय किसान ट्रैक्टर संघ के सदस्यों की बैठक परसवाड़ा के मंडी प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि परसवाड़ा से 500 ट्रैक्टर बिहार पहुंचना है। बैठक में बारी बारी से सभी के विचार लिए गए, सभी ने अपने अपने विचार रखे। 22 सितंबर को बिहार में होने वाली ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने की बात कही। श्री ब्रह्मे ने बताया कि पहले 20 सितंबर को रैली होना थी, किंतु गणेश विसर्जन होने के कारण इस कार्यक्रम को 22 सितंबर को रखा गया है। आपने बताया कि भारतीय किसान ट्रैक्टर संघ का गठन ट्रैक्टर मालिकों, क्षेत्र के किसान भाइयों और क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को समय समय पर उठाकर उनकी समस्याओं का निदान निकालने के लिए किया गया है। चूंकि हमारे क्षेत्र में हमेशा से ही ट्रैक्टर मालिक, किसान और शिक्षित बेरोजगार युवा परेशान रहते हैं, उन्हीं की परेशानियों को हल करने के उद्देश्य को लेकर भारतीय किसान ट्रैक्टर संघ का गठन किया गया है, जिसमें बिहार, बिरसा, परसवाड़ा, उकवा, गढ़ी, भटेरी, सरेखा, सोनगुड्डा आदि क्षेत्रों के ट्रैक्टर मालिक और किसान जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि भारतीय किसान ट्रैक्टर संघ के आह्वान पर 22 सितंबर को किए जा रहे विशाल रैली और आम सभा को संबोधित करने पूर्व सम्माननीय 5 सांसदों का आगमन हो रहा है। 22 सितंबर की रैली में बिहार, बिरसा, परसवाड़ा, गढ़ी, उकवा, बिठली, सोनगुड़ा, भड़ेरी, सरेखा, कुमादेही आदि क्षेत्रों से सैकड़ों ट्रैक्टर और किसान भाई अपनी मांगों को लेकर रैली में उपस्थित रहेंगे। परसवाड़ा एवं सरेखा से दल सिंह पंद्रे, तमलाल सहारे को उपाध्यक्ष, अशोक कटरे को सचिव, सह सचिव ज्ञान सिंह उइके, मीडिया प्रभारी अशोक बोपचे, प्रवक्ता यशवंत पटेल को नियुक्त किया गया है। साथ ही सरेखा से छगन टेम्भरे और गुलाल बिसेन, सचिव युवराज ठाकरे, सह सचिव दीपक शुक्ला, मीडिया प्रभारी हेमराज पटले, प्रवक्ता भागचंद चौधरी को सर्वसम्मति से बनाया गया है। इनकी घोषणा अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे के द्वारा की गई है। बैठक में विशेष रूप से जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, तामेश्वर पटेल, अशोक कटरे, अशोक बोपचे, छगन टेम्भरे, धनेश्वर शुक्ला, भीमराव पारधी, नानक राम चौहान, रफीक मोहम्मद, राजेश तुरकर, राकेश पटले, सुंदर लाल, बद्री प्रसाद तुरकर, बैराग सिंह टिकाम, फूलचंद्र पारधी, भुवनेश्वरी बिसेन आदि अन्य सदस्य उपस्थित रहे। अंत में रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन दिया गया। ट्रैक्टर संघ बैठक तो आज वही परसवाड़ा में बैठक हुई है, इसके पहले गढ़ी में बैठक हुई, बिरसा में बैठक हुई और बैयर में भी बैठक हुई। और बैठक का उद्देश्य है कि जो 20 तारीख को विशाल ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन बैयर में किया गया है, उसमें अधिक से अधिक किसान यहां से उपस्थित हों, हमारे ट्रैक्टर मालिक उपस्थित हों, क्योंकि ट्रैक्टर जो मालिक है वो बहुत परेशान है। उनको फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, जबकि ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पे संविधान के नियम अनुसार यहाँ ट्रैक्टर की कोई रेत की कोई रॉयल्टी नहीं लगती, यहाँ पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। यहाँ पे जो ग्राम सभा है ये सर्वे सर्वा होता है, और ग्राम सभा ही एक पर्ची काट के ट्रैक्टर वालों को देती है ताकि उससे वो रेत अपने उपयोग के लिए ढो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मनमानी तरीके से ट्रैक्टर वालों को परेशान किया जा रहा है, बहुत परेशान है। इस उद्देश्य को लेकर एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम भारतीय किसान ट्रैक्टर संघ रखा गया है, और उसके अनुसार संघ के आह्वान पर 20 तारीख को जन की सभा और विशाल रैली का आयोजन बैठक में किया गया नहीं होती है, तो क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम चक्का जाम करेंगे, पूरे ट्रैक्टर वाले 5000 ट्रैक्टर वाले पूरे बैयर मुख्यालय में पूरा रोड जाम कर देंगे। लेकिन मांग तो पूरा करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र, और अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती, ये संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान के अनुसार हमको और आपको और सरकार को भी चलना पड़ता है। और जबकि यहाँ के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और ट्रैक्टर वालों को रोक कर परेशान किया जा रहा है, जबकि वे लाएंगे कहाँ से रेत? आज आवास योजना प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 तक हर कच्चे मकान को पक्का बना दिया जाएगा, तो आवास जब ट्रैक्टर से रेत ही नहीं आएंगे तो मकान कैसे बन पाएंगे, आवास कैसे बन पाएगा? तो इसमें भी बहुत परेशानी हो रही है आवास बनाने वालों को। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस क्षेत्र को, ये अनुसूचित क्षेत्र, इस क्षेत्र को रेत रॉयल्टी से मुक्त किया जाए, और यहाँ ट्रैक्टर वालों के लिए रेत, गिट्टी, मुरुम और मिट्टी खदान की व्यवस्था की जाए।